हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डायलिसिस यूनिट में हीमोडायलिसिस कैसे होती है। हीमोडायलिसिस मेडिकल प्रोसीजर होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और किडनी फेलियर पेशेंट्स के ब्लड में से टॉक्सिन रिमूव करने के लिए हम हीमोडायलिसिस करते हैं, जिससे किडनी फेलियर पेशेंट को आगे और कॉम्प्लिकेशन ना हो। ऐसे पेशेंट जो किडनी ट्रांसप्लांट नहीं करवा पाते हैं, उन पेशेंट को सर्वाइवल के लिए हीमोडायलिसिस बहुत काम में आता है और हीमोडायलिसिस पर कई साल पेशेंट सर्वाइव कर पाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डायलिसिस यूनिट में हीमोडायलिसिस कैसे होती है। दिस इज आवर डायलिसिस यूनिट और इसमें ये पेशेंट की डायलिसिस हो रही है। तो ये जो रेड लाइन है, दिस इज आर्टरी लाइन, यहाँ से हम ब्लड लेते हैं। एंड ब्लू वाली जो है वो वेनस लाइन है, जहाँ से ब्लड रिटर्न करते हैं। ये ब्लड पंप है, इसमें से ब्लड पंप हो रहा है। और ये जो नीचे क्लैंप दिख रहा है, ये हमारी आईवी लाइन है, जहाँ से हम पेशेंट को एनएस देते हैं। और ये हेपेरिन पंप है, यहाँ से हम पेशेंट को हेपेरिन देते हैं, जिससे क्लॉटिंग ना हो। और यहाँ से सेट करते हैं हेपेरिन। देन ये हम ऊपर देखते हैं, ये है वेनस चैम्बर और एयर डिटेक्टर है ये। देन देखेंगे, ये हमारा डायलाइजर है जो कि डोरा कंपनी का है। साइड में इसके कपलर्स लगे हुए हैं और जिसमें ये डायलाइजर लगा है, इसको हम बोलते हैं डायलाइजर होल्डर। देन ये डिस्प्ले दी हुई है, इसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वॉल्यूम, टाइम कितना बचा है डायलिसिस कंप्लीट होने में, किस रेट से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन चल रही है, ये सब चीज़ें शो हो रही हैं। और ये जो साइड में दिखा रहा है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वेनस प्रेशर कितना है, आर्टेरियल प्रेशर कितना है, टीएमपी यानी कि ट्रांस मेम्ब्रेन प्रेशर कितना है, कंडक्टिविटी कितनी है। और इस मशीन के साइड में डायलाइजर होल्डर है और इस डायलाइजर होल्डर के पीछे हम देखेंगे तो यहाँ पर शंट कवर है, जिसमें से हम ये कपलर्स निकालते हैं और उसमें लगाते हैं। और ये हमारी एनएस है, फिलहाल एनएस बंद की हुई है क्योंकि इसमें ब्लड आ रहा है। और ये हमारा वेनस चैम्बर, जिसको हम देखेंगे नीचे पार्ट ए बी कैन में लगे हुए हैं, जो कि बाइकार्बोनेट के सोर्स हैं। और इसमें से हम कई बार आयरन भी देते हैं आई वी लाइन से। और ये आर्टेरियल प्रेशर, वीनस प्रेशर, टीएमपी, इन सब के बारे में हम एक एक करके पर्टिकुलर वीडियो में आगे समझेंगे। तो ये हमारी कंप्लीट डायलिसिस मशीन है और इसके एक एक पार्ट के लिए मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। और ये हमारी बेड को एडजस्ट करने के लिए रिमोट है। तो इतना ही, ये हीमोडायलिसिस हो रही है और बाकी जो इस मशीन के पर्टिकुलर पार्ट्स हैं, इसके बारे में हम आगे की वीडियोस में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आगे की वीडियोस बनाने के लिए एनकरेज करने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।